हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा एसपी 125 BS6 मॉडल के आपके जितने भी डाउट्स आए थे उन सभी का आज मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है इस बाइक के बारे में, तो इस वीडियो में आपकी जितनी भी डाउट्स है इस बाइक को लेकर वो सब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लें। और फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको एसपी 125 के बारे में भी कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बना दूंगा। बट होप करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपकी जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि इस बाइक का प्राइसिंग को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। तो इस बाइक का जो प्राइसिंग है, यह बाइक आपको टोटल दो वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, ड्रम वेरिएंट और डिस्क वेरिएंट। तो बात करते हैं इसके ड्रम वेरिएंट की प्राइस की। तो इसका जो ड्रम वेरिएंट का प्राइस है वो आपको 85,000 to 88,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो प्राइसिंग है वो वेरी इसलिए करता है क्योंकि आपके जो आरटीओ और इंश्योरेंस के जो चार्जेस होते हैं वो स्टेट वेरी करने से थोड़ा वेरी कर जाता है। इसीलिए आपके स्टेट में आपको थोड़ा सा ज्यादा या कम प्राइस देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू माई स्टेट। और बात करते हैं इसके डिस्क वेरिएंट की प्राइस की। तो इसका जो डिस्क वेरिएंट का प्राइस है वो आपको 90,000 to 93,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा ऑन रोड। तो ये रहा फ्रेंड्स सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात। तो होप करता हूँ आपकी प्राइसिंग की डाउट क्लियर हो गई हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो रहता है फ्रेंड्स इसके माइलेज को लेकर। तो इसका फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले सिटी की माइलेज की। तो इसका जो सिटी का माइलेज है वो आपको 60 to 65 का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा माइलेज है और इसे माइलेज से लेकर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है मुझे। और बात करते हैं इसके हाईवे की माइलेज की। तो हाईवे में फ्रेंड्स ये आपको 65 प्लस तक का माइलेज ऑफर कर देता है, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा माइलेज है। जिस लुक्स के साथ ये बाइक आती है उस लुक्स में आपको इतना अच्छा माइलेज मिल जा रहा है तो काफी अच्छा बात हो जाता है। और बात करते हैं फ्रेंड्स माइलेज जो होता है वो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से राइड करते हैं और टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं तो आपको आराम से ये 65 तक का माइलेज दे देगी। बट अगर आप रफ राइडिंग करते हैं तो हो सकता है इसका माइलेज जो है वो ड्रॉप भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो रहता है फ्रेंड्स इसके सीट हाइट को लेकर। बात करते हैं इसके सीट हाइट की। तो अगर आपकी हाइट 5'1" से लेकर 5'6" के अप्रॉक्स में है तो आप इस बाइक को इजिली राइड कर सकेंगे। मैंने इसका फ्रेंड्स सीट हाइट टेस्ट कर रखा है डिफरेंट राइडर्स के साथ, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपकी और भी अगर कोई डाउट से सीट हाइट को लेकर तो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि इस बाइक में मैं स्प्लिट सीट इंस्टॉल करवा सकता हूं या नहीं। तो फ्रेंड्स आप इस बाइक में चाहे तो स्प्लिट सीट इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट उसका जो कॉस्टिंग है वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो कंपनी आपको इनबिल्ट लगा कर देती है। तो ऐसे में मुझे तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आता इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट इंस्टॉल करवा के, क्योंकि इसका जो सीट है वो आपको ऐसे ही काफी कंफर्टेबल देखने को मिलता है। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लुक्स के कारण करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग का, जो कि मुझे भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज लगा इस बाइक के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, वो है इसके टायर्स को लेकर। तो इसके टायर्स को लेकर भी काफी ज्यादा कमेंट्स आया था कि इसके टायर्स काफी पतले देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो फ्रंट में आपको टायर मिलता है वो आपको 80x100 का 18 इंच का मिलता है, और रेयर में भी जो आपको टायर मिलता है वो आपको 80x100 का 18 इंच का ही टायर मिलता है। तो इसका जो रेयर का टायर है वो थोड़ा सा पतला है, तो आप इसे चाहे तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। आप इसमें 100x90 का 18 इंच का टायर डाल सकते हैं, तो इससे जो इसका स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और काफी अच्छा मतलब हायर स्पीड्स पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। तो इसमें आपको दो डिमेरिट्स देखने को मिलेंगे टायर चेंज करवाने से। तो सबसे पहला जो आपको डिमेरिट देखने को मिलेगा वो होगा फ्रेंड्स इसका माइलेज में थोड़ा सा ड्रॉप आ जाएगा, जरा सा ड्रॉप आएगा, कोई मेजर ड्रॉप नहीं आएगा। और बात करते हैं इसके टॉप स्पीड का, तो वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू पहले के कंपेरिजन में, बट इसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और सेफ्टी के पर्पस से और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेरी का, तो वो है फ्रेंड्स इसके वाइब्रेशंस को लेकर। तो मैंने इसका वाइब्रेशन टेस्ट कर रखा है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें काफी कम वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, एकदम ना के बराबर वाइब्रेशंस मिलता है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफी ज्यादा रिफाइन है। तो वाइब्रेशंस वगैरह को लेकर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इस बाइक में, तो वाइब्रेशंस के आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आप आराम से इस बाइक के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्टली इसके कलर ऑप्शंस की। तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है जितने भी कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको उन्हें भी देखना है तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा इसमें ग्रीन कलर, दूसरा आपको मिलेगा ब्लू कलर, और तीसरा आपको मिल जाएगा मैट में ग्रे कलर, और जो आपको लास्ट कलर देखने को मिलता है इसमें वो आपको मिलता है रेड कलर। तो ये रहा फ्रेंड्स जिसमें आपको टोटल चार कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं तो इसका जो प्राइजेस है वो कलर के हिसाब से वेरी नहीं करता, प्राइजेस आपको सारे ही वेरिएंट्स का सेम देखने को मिल जाता है। बस इसका जो डिस्क और ड्रम का जो प्राइसिंग है वही आपको देखने को मिलेगा, कलर के हिसाब से प्राइजेस वेरी नहीं करते। तो ये भी मुझे काफी प्लस पॉइंट लगता है होंडा का, तो ये भी फ्रेंड्स एक काफी अच्छा बात हो जाता है।
तो होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होंगी इस बाइक को लेकर वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसका एक सेकंड पार्ट आपको बनाकर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।